assalamu alaikum dear students today we are going to discuss lecture number 37 of the database management system course the course code is cs403 in the lecture number 36 we discussed different file organization we discussed the sequential file organization index sequential file organization and the hash file organization we also studied different advantages and disadvantages of these file organizations at the end of the previous lecture, we were discussing the indexes. Index is basically created on a database file, and the purpose of the index file is to facilitate in the data access. आप uh, database data store कर हैं obviously baas mein, baas mein aapko different purposes, ke lihe, different uses ke lihe, you have to access the data. अगर आपके पास इंडेक्सेस की फैसिलिटी ना हो उस केस में होगा यह कि द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव गॉट इज़ टू सर्च फॉर योर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड सीक्वेंशली वन आफ्टर अनदर यानी आपको जो भी कंडीशन है किसी भी कंडीशन की बेस पे अगर आपको डाटा एक्सेस करना है तो इंडेक्सेस की गैर मौजूदगी में आपके पास यही ऑप्शन है कि आप तमाम रिकॉर्ड्स को बारी बारी पढ़ें डाटा के डाटा फाइल के अंदर से डाटा के अंदर से टेबल के अंदर से और फिर आप

आपकी जो डाटा एक्सेस है वो एफिशिएंट हो जाए वो निस्पतन रिलेटिवली बहुत कम एक्सेस के दौरान हो जाएगी हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडेक्सेस के टॉपिक्स को जस्ट टच किया था आज हम इसकी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं तो आइए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं एनी सबसे फील्ड ऑफ रिलेशन कैन बी दसर्च की फॉर एन इंडेक्स ऑन द रिलेशन इसका मतलब यह है कि आपके पास एक टेबल में जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से कोई एक एट्रीब्यूट दो तीन उनका कम्बिनेशन जो है किसी भी एट्रीब्यूट का जो कम्बिनेशन है वो इस्तेमाल हो सकता है इंडेक्स क्रिएट करने के लिए और बात यह है कि आप करेंगे किसके ऊपर जिस चीज़ के ऊपर जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू के ऊपर आपको एक्सेस की ज़रूरत हो सकती है डाटा को एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है आप उसके ऊपर इंडेक्स क्रिएट कर लेंगे सर्च की इज़ नॉट द सेम एज की यानी इसका मतलब यह है कि जिस पे आप सर्च कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि की ही हो वो की के अलावा यानी वो यूनिक जरूरी नहीं है बल्कि वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं एंड इंडेक्स कंटेंस ए कलेक्शन ऑफ डाटा एंट्रीज एंड सपोर्ट्स एफिशेंट रिट्रीवल ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स विद अ गिवन सर्च की वैल्यू के मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास की है वो तो है स्टूडेंट आई डी बट स्टिल वी मे नॉट ऑलवेज नीड द एक्सेस ऑन द बेस ऑफ की ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आई डी ओनली बल्कि हो सकता है कि वी नीड टू एक्सेस द डाटा ऑन द बेस ऑफ नेम लट्स या एरिया लट्से हम कहते हैं कि वो लोग जिनका डी जी खान से ताल्लुक़ है जिनका डोमिसाइल डी जी खान का है या जिनका डोमिसाइल जो है वो लट्स लाहौर का है तो इस तरह से हमें जो डाटा एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है वो आपकी की वैल्यू बन सकती है यानी उस आ, की वैल्यू के बेस पर आपने रिकॉर्ड्स को सर्च करना है साल के तौर पर आप कहते हैं कि वो लोग जिनकी सी जी पी एंट टू के दरमियान है अगेन यू आर गिविंग ए सर्च कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ सी जी पी ऑल दिस एग्जाम्पल इज दैट इन द रियल लाइफ एग्जाम्पल इन द रियल लाइफ सिचुएशन ऐसा नहीं होता कि यू ओनली नीड टू एक्सेस द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ की ओनली नो आपको की के अलावा जो बाकी एट्रीब्यूट्स भी हैं जिनको नॉन की कहे और उनमें से कई यूनिक नहीं भी होते उनकी बेसिस के ऊपर भी आपको रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है तो वो जितने भी ऐसे फील्ड हैं जिनकी बेसिस पे आपको एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है वो आपकी सर्च की जो है वो बन सकते हैं और फिर एक और इसमें फैक्टर ये भी है कि बास किसिस में यू नीड टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर की वैल्यू वेरी फ्रिक्वेंटली ठीक है लेकिन बास किसिज में बाज ऐसे है कि जिनकी कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है लटसे के अगर लटसे हम कहते हैं कि नेम की बेसिस पे आपको एक दिन में फर्ज करें कि हो सकता है कि 200 दफा एक्सेस करना पड़ता हो तो हो सकता है एड्रेस की बेसिस पे आपको एक दो या तीन दफा एक्सेस करना पड़ता हो तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस है कि किस वैल्यू के बेसिस पे हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू नीड टू एक्सेस द डाटा वो भी एक यानी कि है जिसकी बेस पे यू डिसाइड कि आपको इस पे इंडेक्स क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आइए आगे, आगे चलते हैं इंडेक्सेस आल्सो कंटेन ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन दैट डायरेक्ट सर्चिज टू द डिजायर्ड डाटा एंट्रीज इसका मतलब यह है कि जो आपके पास इंडेक्स फाइल कंटेंट है यह बात तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इंडेक्स फाइल जो है इट डज नॉट कंटेन ऑल द डाटा यानी जो आपके पास आपके टेबल में रिलेशन में जो डाटा है इंडेक्स फाइल इट डज नॉट कंटेन ऑल ऑफ दैट इन ए पर्टिकुलर नो इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ की येस क्यों क्योंकि उसके बेसिस पे इसने आपको एक्सेस में हेल्प करनी है एक बात लेकिन इसके अलावा इसके अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन भी हो सकती है अब वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है इट डिपेंड्स अपॉन द इंप्लीमेंटेशन अप्रोच ऑफ द इंडेक्स हम आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि इंडेक्सेस को इंप्लीमेंट करने के मुख्त तरीके हो सकते हैं तो जिस तरीके से इंडेक्स फाइल इज़ बीग इम्प्लीमेंटेड उसके मुताबिक आपके पास जो आपकी की की वैल्यूज़ हैं उनके अलावा और भी कोई एंट्रीज हो सकती हैं हम देखेंगे कि वो क्या हो सकती है वी कैन हैव मल्टीपल और डिफरेंट इंडेक्स पर फाइल फॉर एग्जाम्पल फाइल सॉर्टेड बाई एस टी आई डी विद हैश इंडेक्स ऑन सी जी पी एंड बी प्लस ट्री इंडेक्स ऑन स्टूडेंट नेम जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि जो आपका टेबल है जो रिलेशन है वो तो जाहिर है कि इट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर वो आप डिफाइन करते हैं या अगर आप डिफाइन नहीं भी करते तो बाई डिफ़ॉल्ट जो प्राइमरी की का ऑर्डर है उसमें ये आपके रिकॉर्ड स्टोर होंगे तो आप फर्ज करें कि हमारे पास जो स्टूडेंट का टेबल है उसमें वी हैव गॉट आवर की एज द स्टूडेंट आईडी। तो अब प्रैक्टिकली जो हमारे पास रिलेशन है जो टेबल है उसमें जो रिकॉर्ड स्टोर हैं, दे आर स्टोर्ड इन ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट आईडी। लेकिन अब यह है कि जो आपके पास मुख्तलिफ एट्रीब्यूट जैसे मैंने आपसे कहा था कि यू नीड टू एक्सेस डाटा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट तो जिनकी वैल्यू की बेसिस पे यू नीड टू एक्सेस द डाटा वेरी फ्रिक्वेंटली के बेसिस पे यू क्रिएट इंडेक्स फाइल्स अब जैसे यहां पे एग्जांपल दी यहां पे जो दो नाम लिए गए हैं एक हैश का एक बी प्लस ट्री का तो दीज आर बेसिकली डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन अप्रोचेस ऑफ द इंडेक्स फाइल्स तो इस मतलब साइट का मतलब यही है कि आपके पास रिकॉर्ड्स तो स्टोर्ड हैं टेबल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ स्टूडेंट आई उस ऑर्डर में स्टोर है लेकिन आपके पास एक इंडेक्स फाइल है जो कि बनी हुई है से के स्टूडेंट नेम पे और हो सकता है कि वो बी प्लस टीज के जरिए इंप्लीमेंट हुई हो इसी तरह एक और हमारे पास इंडेक्स फाइल क्रिएटेड है लटसे सी जी के ऊपर और वो हो सकता है कि हैश के, के थ्रू इंप्लीमेंट हुई हो इस तरह से यू कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट इंडेक्स फाइल्स ऑन द सेम टेबल और थ्रेटिकली यू कैन हैव द इंडेक्सेज ऑन ऑल द एटरीब्यूट नॉट ओनली ऑल द एट्रीब्यूट बट ऑन डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ द एट्रीब्यूट थ्रेटिक इट इज पॉसिबल और और डीबीएमएस आपको मना भी नहीं करेगा बट डेफिनेटली दे आर नेगेटिव साइड ऑफ दिस थिंग एज वेल आइए आगे चलते हैं इंडेक्सेस ऑन प्राइमरी की एंड ऑन एट्रीब्यूट इन द यूनिक कॉन्स्ट्रेंट आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड यानी जिसको आपने प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया या जिस एट्रीब्यूट को वाई डिफाइनिंग टेबल यू डिक्लेयर्ड इज एज यूनिक थ्रू द कॉन्स्ट्रेंट ठीक है तो उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो आपका डी बी एम एस है वो जनरली ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस क्रिएट कर देते हैं एंड स्टिल वी कैन एड मोर हाउ डू वी क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस वट सलेक्शन डज इट सपोर्ट यानी इसमें यह है कि आप का जो भी एक इंडेक्स uh, की टाइप है वो किस किस टाइप की जो है ना वो सिलेक्शन को सपोर्ट करता है क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि जैसे मैं आपसे पहले बताया था कि जिस वक्त आप रोज को सिलेक्ट करते हैं तो आप रोज को सिलेक्ट करते हैं ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टेन कंडीशन अब कंडीशंस की हमने जैसे वो जब एस पढ़ थे उसमें वी स्टडी डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ द कंडीशन और जो हमने वेयर क्लॉज में इस्तेमाल की थी उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं अब हमें यह देखना है कि जो इंडेक्स की क्लासिफिकेशन है उसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप ये देखें कि किस टाइप का जो इंडेक्स है वो किस किस टाइप की सिलेक्शन को सपोर्ट करता है दिस बी वन अप्रोच रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंट्रीज इंडेक्स वट ऑफ़ इंफॉर्मेशन इज द इंडेक्स एक्चुअली स्टोरिंग हमें यह भी देखना होगा कि जो हमारे पास इंडेक्स uh, जो जो एक खास तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो क्या क्या इंफॉर्मेशन जो स्टोर कर रहा है इससे हमें यह भी अंदाजा होगा कि हाउ मच स्पेस इंडेक्स इट्सल्फ इज टेकिंग क्योंकि जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं दैट इज गोइंग इन द टेबल और द रिलेशन वो तो उसकी अपनी उतनी स्पेस है जो भी फिजिकल रिकॉर्ड आपका बनेगा वो तो उसकी स्पेस होगी बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडेक्स फाइल इट्सल्फ इज गोइंग टू टेक सम स्पेस तो so डिफरेंट जो हमारे पास इंडेक्स अप्रोचेज है उसमें हमें ये देखना है कि कौन सी जो इंडेक्स मैथडोलॉजी है वो क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर करती है जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि हाउ मच स्पेस इट इट्स सेल्फ गोइंग टू टेक इसके अलावा यह कि हमारे पास जो क्लासीफिकेशन है वो हम इन तीन बेसिस पे कर सकते हैं इनमें से एक ये है कि क्लस्टर्ड और अन या नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस हो सकते हैं सिंगल की वर्सेस कंपोजिट की इंडेक्सेस यानी क्या वो जो आपका इंडेक्स क्रिएट किया वो सिंगल की के ऊपर है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के ऊपर है ट्री बेस्ड है इन्वर्टिड फाइल्स हैं या कि पॉइंटर्स हैं दीज आर डिफरेंट जो आपको फाइनल जो आपको हमने यहाँ पर पढ़ी है ये डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोचेज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नो नेक्स्ट टॉपिक इज हाओ डू वी क्रिएट इंडक्स ठीक है इसमें मैंने आपसे जैसे अभी कहा था कि जो तो आपकी प्राइमरी की है और जो आपकी यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आपने यू हव डयड एज यूनिक थ्रू योर जो डी डी एल थी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज उसके थ्रू आपने उनको यूनिट डिक्लेयर किया उनके ऊपर तो इंडेक्सेस डी ने आटोमेटिकली क्रिएट कर दी अब उसके बाद यह है कि जैसे मैं आपसे कहा था कि हम हमें फिर भी जरूरत पड़ सकती है इसके अलावा हमें कुछ और एटीब्यूट के ऊपर क्रिएट करने के लिए इंडेक्सेस उसके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट स्मॉल होगी वह एस्क्यूर की स्टेटमेंट ही है और इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज तो आपको याद होगा कि वी यूज द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट टू क्रिएट ए टेबल अब हम देखते हैं कि हम क्रिएट स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स क्रिएट करने के लिए अब यह देखिए कि यह आपके सामने क्रिएट स्टेटमेंट का जो है वो एक सेंटेक्स है इसमें अगर आप देखें तो क्रिएट स्टेटमेंट जो क्रिएट है इट सेल्फ वो आपके पास कैप्टर में लिखा हुआ है इट मीन यू हैव टू गेव इट एज सच उसके बाद जो यूनिक है दिस इज ऑप्शनल इसलिए इसको लिखा गया हुआ है स्क्वेयर बैकेट्स में लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आप इसको एज सच लिखेंगे उसके बाद अगेन देर इज एन ऑप्शनल थिंग जिसमें है क्लस्टर्ड स्लैश नॉन क्लस्टर्ड इनमें से आप कोई एक ऑप्शन देंगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड से क्या मुराद है उसके बाद देखें जो एक और रिक्वायर्ड चीज है वो है इंडेक्स और इंडेक्स जो है वो चूंकि लिखा हुआ कैपिटल में तो यू हैव टू गिव इट एज सच उसके बाद है इंडेक्स नेम जो कि जाहिर है कि आप खुद प्रोवाइड करेंगे ऑन अगेन दिस इज रिक्वायर्ड और जहां पे आपके पास देखिए कि अब यहाँ पे करली ब्रेसेस में दो ऑप्शंस हैं इनमें से आप कोई एक चीज़ देंगे तो टेबल या व्यू आप इसको यानी उसका यहाँ पे उसका यानी नाम देंगे ठीक है जो भी आप वो आपने खुद प्रोड्यूस दे रहे हैं प्रोड्यूस करना है उसके बाद आगे जो आपने देना है कॉलम कॉलम मीनस कि आपने यहाँ पर कॉलम का नाम देना है चाहे वो टेबल से है चाहे वो व्यू से है व्यू के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं लेकिन टेबल के बारे में आपको अंदाजा है कि टेबल क्या चीज़ है और अगेन देर इज़ एन ऑप्शनल थिंग जिसमें कहा गया कि असेंडिंग डिसेंडिंग यानी आया जो आपने इंडेक्स uh, क्रिएट करना है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो यानी जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो जो उसकी अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या कि डिक्रीजिंग में यानी इसका मतलब यही है कि अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो है असेंडिंग यानी जो अगर आप फर्ज करें नेम पे कर रहे हैं तो जो नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो पहले होंगे जो बी से फिर सी से एंड लाइक दैट और अगर आप डिसेंडिंग कर रहे हैं तो स्टार्ट होंगे Z से Z से और उसके बाद तमाम ये डिक्रीज तो जाएंगे और ये जाएंगे A तक और उसके बाद देखिए कि ये कॉमा और डॉट ऑट एन है इसका मतलब ये है कि जो आप कॉलम दे रहे हैं और असेंडिंग डिसेंडिंग दे रहे हैं वो उसको आप रिपीट कर सकते हैं अब देखिए इससे मुराद ये है कि आप जिस कॉलम पे अपने टेबल को इंडेक्स कर रहे हैं वो एक कॉलम भी हो सकता है और मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें सिंगल कॉलम देने की या मल्टीपल कॉलम देने की इंडेक्स के लिए क्या लॉजिक क्या उसकी रीज़न क्या है उसकी रीज़न ये है कि अगर तो हमें ये पता है कि हमारा जिस की के ऊपर जिस वैल्यू के ऊपर हम इंडेक्स क्रिएट करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिक अगर यूनिक है चाहे आपने इसको यूनिक कॉन्स्टेंट के जरिए यूनिक किया हुआ है चाहे आपने वो प्राइमरी की है तो ऐसी केसेस में कि जबकि आपके पास वो एट्रीब्यूट वो की कि जिसके बेसिस पे आपका इंडेक्स क्रिएट हो रहा है वो यूनिक है इन दैट केस देर इज़ नो चांस ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ द वैल्यू यानी जो वैल्यू आपकी आनी है जो इंडेक्स क्रिएट होगा जिसमें कि उसकी तमाम वैल्यूज आएंगी उस एट्रीब्यूट की देर इज नो चांस कि दैट यू आर गोइंग टू हैव द डुप्लीकेट वैल्यू तो जाहिर है कि वो तो हर वैल्यू एक दफा एग्जिस्ट करनी है और वो एक ऑर्डर में आ जाएंगी लेकिन बास केसेस में ऐसा होता है कि आप बास केसेस में नहीं बल्कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऐसा होता है कि यू नीड टू अरेंज द डाटा ऑन ए नॉन यूनिक एट्रीब्यूट यानी वो डेफिनेटली उसमें जो सेम वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है वट शुड द डी बी एम एस टू इफ इट फाइंड द सेम वैल्यूज फॉर फॉर टू डिफरेंट रिकॉर्ड मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं नेम की हमने कहा कि नेम को आप जो है वो नेम के बेसिस पे आप असेंडिंग ऑर्डर में इसकी इंडेक्स क्रिएट करें फर्ज करें हमारे पास एक नेम आता है जमील अहमद एंड बाई चांस द द इंस्टीट्यूट फॉर विच वी आर क्रिएटिंग द डाटा बेस उसमें हमारे पास लेट्स है कि सात आठ या दस लेट्स है दस मुख्त जमील अहमद हैं सो द लॉजिक ऑफ हैविंग द मल्टीपल एट्रीब्यूट कि आप डी बी एम एस को यह गाइड कर रहे हैं किफ यू एनकाउंटर द सेम वैल्यू फॉर दिस इंडेक्स की तो उसके बेसिस पे उस केसेस में आपने क्या करना है उस केस आपने करना यह है कि आपने फिर उन सेम वैल्यूज को फिर फर्दर जो ऑर्डर करना है वो दूसरे एट्रीब्यूट के बेसिस पे कर देना है यानी इससे क्या हम इससे हम राजे कि फर्ज करें कि हमारे पास हम कहते हैं कि आपने स्टूडेंट नेम पे ऑर्डर किया और हमारे पास दस जमील अहमद हैं जो कि मुख्तु क्लासेस में हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं अब उन दस रिकॉर्ड के अंदर क्या तरतीब रखनी है उसमें हम इसको फिर ये गाइड कर देते हैं कि भाई ठीक है अगर हमारा नेम सेम है तो फिर आप जो उनके दरमियान आप डिसाइड करेंगे दैट यू विल डिसाइड लेट्स से ऑन द फादर नेम यानी वो जो दस जमील अहमद हैं उनकी फिर जो फर्दर अरेंजमेंट होगी जो फर्दर ऑर्डर होगा वो उनके फादर नेम के बेसिस पे होगा कि फ़र्ज़ करें कि हमने जो है वो चूंकि जमील अहमद तो सब सेम थे अब हमने कहा कि आप फादर नेम पे करें अब इसका मतलब ये होगा कि जिसका फादर नेम जो है उसका जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सबसे छोटे हैं वो सबसे पहले आ जाएगा उसके बाद जब इसी ऑर्डर में जिसका उसके बाद फादर नेम है वो फिर उसका आ जाएगा एंड लाइक दैट तो जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसकी जरूरत उसी वक्त पड़ेगी वैन यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एट्रीब्यूट If the decision is made, there will be no confusion. There will be no use of the second attribute. Because a decision can be made on the value of the first attribute only. There is no use of the second attribute, of the second column, in case of Babar and Jamil. But if we are going to have two or three Babars, or let's say we have got ten Jamils, what will we do in that situation? उस केस में सेकेंड एट्रीब्यूट और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आपने अगर फर्स्ट एट्रीब्यूट को अगर आपने लेट से असेंडिंग रखा हुआ है तो जो सेकेंड एट्रीब्यूट आप दे रहे हैं यू कैन स्टिल चेंज द आउट ऑफ द सेकेंड एट्रीब्यूट मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि नेम को आप असेंडिंग में करें लेकिन अगर जहां पे नेम सेम हो जाए तो फादर नेम के बेसिस पे लेकिन वो डिसेंडिंग में तब तो क्या होगा कि दस जमील अहमद है फाइन लेकिन जिसके फादर का नेम जो स्टार्ट हो रहा है जो सबसे बड़ा है अपने ऑर्डर में करेक्टर फर्ज के किसी के फादर का नाम अगर ज़ुबैर है तो जुबैर वाला जमील अहमद पहले आ जाएगा और फर्ज किसी और के फादर का के नाम है वलायत हुसैन तो वो उसके बाद आ जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि आप जो ऑर्डर दे रहे हैं फॉर द फर्स्ट कॉलम एंड फॉर द सेकेंड कॉलम वो दे आर नॉट रिक्वायर टू बी द सेम दे कैन बी डिफरेंट और सेम भी हो सकते हैं और यही प्रिंसिपल जो है इट कैरीज ऑन मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कहीं पॉसिबिलिटी है कि दो एट्रीब्यूट की वैल्यू भी सेम हो जाएगी तो अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे अगर आप स्पेसीफाई नहीं करेंगे खुद से स्पेसिफिकली तो उसमें जनरली होता यह है कि जिस ऑर्डर में रिकॉर्ड्स एंटर हुए हुए हैं उनके अंदर वही हो जाएगा मिसाल के तौर पे हमारे पास जमील अहमद था हमने अगर सिर्फ नेम दिया हुआ है तो अगर 10 रिकॉर्ड्स की सेम वैल्यू है वही नाम जमील अहमद है तो अब इनमें जो अपना इनका होगा दस रिकॉर्ड्स का वो वही होगा

या तो आप अगेन यूर गिव दर्ड एट्रीब्यूट बस नॉर्मल रियल लाइफ सिचुएशन में ये जो ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता तो उस केस में या तो आपने जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप ऑर्डर छोड़ देंगे जिस ऑर्डर में आपने रिकॉर्ड एंटर किए हुए थे अब ये जो ये तीन रिकॉर्ड हैं जमील अहमद सन ऑफ फयाज अहमद दे विल अपियर इन दर्डर इन विच देवर एंटर्ड इन टू दबल लेकिन फर्ज करें कि अगर आपने अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिसेज आते हैं आप बहुत ज्यादा मतलब सॉर्ट ऑफ यूर प्रोफेक्शनस्ट आप कहते हैं ठीक है भाई अगर दूसरे पर डिसाइड नहीं करते हो हे इज द थर्ड एट्रीब्यूट आप कहते हैं जी एड्रेस पे अब अब क्या हो गया आपने कहा जी के इंडेक्स क्रिएट करें जिसमें कि नेम फादर नेम एड्रेस अगर तो नेम पे डिसाइड हो गया नो नीड टू कंसल्ट द फादर नेम और द एड्रेस यानी अगर नेम पे डिसाइड हो चुका हुआ है तो फादर नेम और एड्रेस जिस मर्जी ऑर्डर में हो ड मैटर बिकॉज नेम वॉज द फर्स्ट एट्रीब्यूट तो उस डिसाइड नहीं हुआ देन यू गो टू द सेकेंड एट्रीब्यूट जो कि आपका लड़से के फादर नेम था अगर उस पर डिसाइड हो गया फाइन नहीं होता देन यू मूव टू थर्ड एट्रीब्यूट लाइक तो ये कॉन्सेप्ट है कि टू गिव और टू क्रिएट द इंडेक्स ऑन ए सिंगल एट्रीब्यूट और ऑन द मल्टीपल एट्रीब्यूट आइए आगे चलते हैं एग्जाम्पल ये आपने कहा क्रिएट यूनिक इंडेक्स और आपने कहा प्रोग्राम अंडर स्कोर प्रोग्राम नेम ए अगेन दिस इज ए नेमिंग कन्वेंशन के आपने शुरू में जो uh, दो लेटर थे पी आर यू टुक दम फ्राम द टेबल जिस टेबल पर आपका इंडेक्स क्रिएट हो रहा है एंड अंडर स्कोर एंड देन यू गेव द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट ऑन विच यू आर क्रिएटिंग द इंडेक्स तो प्रोजेक्ट नेम हमारा बेसिकली एट्रीब्यूट है और वह है प्रोग्राम तो आपने इसको प्रोग्राम पे किया और वह एट्रीब्यूट जिसपे आपके इंडेक्स क्रिएट करने जा रहे हैं वो है प्रोग्राम नेम तो दोबारा देखिए कि आपने इंडेक्स के बाद जो दी है वो दैट इज द नेम ऑफ द इंडेक्स फाइल तो आपने कहा पी आर अंडर पी आर नेम इससे आपको फायदा क्या हो होगा इस अप्रोच uh, से कि नो यू न्यू द नेम ऑफ द टेबल ऑन विच योर क्रिएटिंग द इंडेक्स प्लस द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ दैट टेबल ऑन विच योर करिएटिंग द इंडेक्स तो ये आपका इंडेक्स फाइल नेम हो गया और आगे जब आपने कहा ऑन तो प्रोग्राम व द नेम ऑफ द टेबल और ब्रैकेट में उस एट्रीब्यूट का नाम जिसपे आपने इंडेक्स क्रिएट करना है एक और एग्जाम्पल कैन ऑल्सो भी क्रिएटेड ऑन कम्पोजिट एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और अगर आपको याद होगा तो जो हमने डिफरेंट क्लासीफिकेशन पढ़ी थी उसमें वन ऑफ द क्लासीफिकेशन वॉज के इधर इट इज क्रिएटेड ऑन सिंगल एट्रीब्यूट और ऑन द मल्टीपल एट्रीब्यूट यू जस्ट सॉ द एग्जाम्पल ऑफ इन द इंडेक्स ऑन सिंगल एट्रीब्यूट अब हम यहाँ पर देख रहे हैं

उस कैटेगरी पर स्टूडेंट नेम उसका असेंडिंग हो और फिर आपने कह दिया एस टी फादर नेम डिसेंडिंग यानी आप नामों को जो नाम है स्टूडेंट का उसकी आप इंडेक्स फाइल में अरेंजमेंट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकिन अगर कहीं पे नाम सेम है तो देन यू विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फादर नेम बट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्सेस इंडेक्सेज कैन भी डिफाइंड इवन वैन देर इज नो डाटा इन द टेबल और एग्जिस्टिंग वैल्यूज आर चैकड ऑन एक्सीक्यूशन ऑफ दिस कमांड यानी पहली बात तो यह है कि जिस वक्त आपने फाइल क्रिएट की है उस वक्त भी आप चाहें तो जो इफ यू ऑलरेडी नो कि आई विल लीड द इंडेक्सेज ऑन दिज एट्रीब्यूट यू कैन गिव द कमांड एंड यू कैन क्रिएट द इंडेक्सेज अब आपकी जो इंडेक्स फाइल्स हैं उन एट्रीब्यूट्स पे वो इंडेक्स फाइल्स भी क्रिएट हो जाएंगी बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ दोज एट्रीब्यूट हो जाएंगे इवन व्हेन देयर इज नो डाटा इन द डेटाबेस टेबल क्योंकि अब वो जो उसका स्ट्रक्चर है जैसे आपके पास टेबल uh, का या रिलेशन का स्ट्रक्चर आ चुका हुआ है एंड देर इज नो डाटा इन इट इसी तरह यू हैव गॉट द इंडेक्स फाइल एज वेल ऑल दो इज नो डाटा देयर टू अरेंज लेकिन स्टिल यू हैव गॉट द स्ट्रक्चर तो जैसे ही यू स्टार्ट पॉपुलेटिंग योर डाटा टेबल

आपने टेबल क्रिएट कर लिया आपने कुछ इंडेक्सेस क्रिएट कर लिए कुछ इंडेक्सेस डी बी एम एस ने आटोमेटिकली क्रिएट कर लिए मिसाल के तौर पर मैंने जैसे आपसे कहा कि प्राइमरी की के ऊपर mm, और जो आपके यूनिक एट्रीब्यूट उनके ऊपर इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली ये तो हो गया नाउ लेट्स से यू हैव पॉपुलेटेड योर टेबल और उसमें लेट्स से के हज़ार दो हज़ार दस हज़ार रिकॉर्ड्स आ गए हैं एंड नाउ यू रियलाइज और नाउ देयर इज़ ए नीड दैट यू नीड टू क्रिएट इंडेक्स ऑन एन एट्रीब्यूट वाई बिकॉज यू नीड टू एक्सेस डाटा ऑन द वैल्यू ऑफ दैटा ट्रीब्यूट वेरी फ्रिक्वेंटली और अगर आप उस पर इंडेक्स क्रिएट करते हैं द एक्सेस बिकम्स एफिशेंट इस बेसिस पे यू रियलाइज के आपको इंडेक्स चाहिए फ्लाट्रीब्यूट के ऊपर फर्ज करें हम कहते हैं कि फोन नंबर के ऊपर हमें चाहिए स्टूडेंट के फोन नंबर के ऊपर या लेट्स हम कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ की क्वालिफिकेशन के ऊपर हमें इंडेक्स चाहिए तो अब आप ऑल दो द टेबल इज पॉपुलेटेड यू विल क्रिएट द इंडेक्स आप वही कमांड जो हमने यहां पर दी है वो आप कमांड देंगे और उससे जो आपकी इंडेक्स फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी और जितने भी आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स थे दे विल बी अरेंज इन दिस इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिकली और उसके बाद से आपकी ये जो इंडेक्स फाइल है इट विल स्टार्ट हेल्पिंग यू टू हैव एन एफिशिएंट एक्सेस ऑफ द डाटा फ्रॉम दिस डेटाबेस टेबल एक बात तो हो ये होगी दूसरी बात ये भी है कि जैसे तमाम कॉन्स्टेंट्स के साथ होता है कि इफ द टेबल इज़ पॉपुलेटेड एंड यू अप्लाई ए कॉन्सटेंट तो आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसके ऊपर पहले यह चीज़ चेक होगी वैदर दिस कंस्टेंट कैन बी इंपोज और नॉट क्यों अगर आप फर्ज कर कहते हैं कि मैंने क्वालिफिकेशन के ऊपर एम्प्लॉज की या आप कहते हैं कि आपने स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर के ऊपर आपने इंडेक्स क्रिएट किया और आपने कह दिया यूनिक अब यूनिक जो है वो अगर तो आपने टेबल में डेटा डालने से पहले यूनिक एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया होता इन दैट सिचुएशन दिस इंडेक्स फाइल या और द डीबीएमएस वन लेट यू एंटर द डुप्लीकेट वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ये तो एक सिचुएशन होगी ना लेकिन अगर फर्ज करें डाटा पहले से मौजूद था और अब आपने कहा कि जी इस पर यूनिक इंडेक्स क्रिएट करो तो आपका यूनिक इंडेक्स तभी क्रिएट होगा अगर जो आपका एग्जिस्टिंग डाटा है दैट फॉलोज दिस कॉन्स्टेंट बिकॉज इन फ्यूचर इट वॉन्ट लेट यू एंटर ए डुप्लीकेट वैल्यू बट व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग डाटा द वेलिडिटी द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्स्टेंट ऑन योर एग्जिस्टिंग डाटा विल ऑल्सो बी चेक्ड तो अगर आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है इट वॉज यूनिक तब आपका जो ये इंडेक्स है इट वुड बी सक्सेसफुली क्रिएटेड अदरवाइज द डी बी एम एस विल गिव यू एरर मैसेज के दिस इंडेक्स कैन नॉट बी क्रिएटेड या वो इस तरह का मैसेज भी हो सकता है कि जो यूनिक कॉन्सटेंट है इस इंडेक्स का वो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता और फ़र्ज़ करें कि इफ़ यू डू नॉट गिव यूनिक कॉन्स्टेंट अगर आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं और उसमें आप यूनिक का वो नहीं देते उसके इसमें जाहिर है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं तो वो क्रिएट हो जाएंगी आई होप आपको ये बात क्लियर हो, हो, हो गया होगी आइए हो हो हो? हाँ आगे चलते इंडेक्सिस सपोर्ट सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म फील्ड ऑपरेटर कॉन्स्टेंट यानी आपने जिस वक्त वी आर स्टार्टिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट उस समय ने कहा था कि जो हमारा वेयर क्लॉज है उसमें आपके पास एक कंडीशन होती है एंड दैट इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ द कंडीशन उसमें क्या है आपके पास एक एट्रीब्यूट का नाम है दरमियान यू कैन हैव ऑपरेटर एंड देर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स दैट यू कैन प्लेस यर और हर ऑपरेटर का अपना एक uh, बिहेवियर होता है कॉन्स्टेंट मीन यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दे सकते हैं जिससे वो कंपेयर होगा तो जो आपके इंडेक्सेस आपको हेल्प करते हैं इस तरह की जो उनको भी एफिशिएंटली एक्सेस करना है मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि अलग से मैंने आपको भी एग्जाम्पल दी थी कि आपने कहा कि वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सी जी पी ए बिटवीन थ्री एंड थ्री पॉइंट टू अब यह आपने एक उसको सिलेक्ट कंडीशन दी है फाइड ए रेंज अब जाहिर है कि जो आपकी इंडेक्स फाइल है अगर आपने सी जी अपने अगर आपने सी जी ए पे यू हैव क्रिएटेड द इंडेक्स उसने क्या किया उसने वी हैज ऑल द रिक्ड इन द इन द सी जी पी ए वैल्यू इन दर्डर ऑफ सी जी पी वैल्यू अब वो क्या करेगा कि वो आपने जो रेंज स्पेसीफाई की है क्योंकि वो ऑर्डर में होंगे तो थ्री से लेकर थ्री पॉइंट टू तक सब एक खास अपने कंटिन्यूसली उसमें होंगे इसका मतलब वैन यू गॉट थ्री तो उससे पीछे कोई भी रिकॉर्ड जो है दैट डज नॉट फॉल इन दिस कंडीशन और जहां पे 3.2 है उसके बाद कोई भी रिकॉर्ड जो है वो इस कंडीशन फॉल नहीं करता तो आप अगर अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर जिस जगह से थ्री वाली एंट्री स्टार्ट हो रही है वहां से लेके एंड द पॉइंट वेयर थ्री पॉइंट टू एंट्रीज एंड उनके दरमियान के रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे दोज आर द ओनली रिकॉर्ड विद इन योर डेटा फाइल दैट यू नीड टू एक्सेस इसके अलावा यह बात पक्की है

दिस इज़ एन इक्वल ऑपरेटर हमने कहा तो ये जो है वो आपको ट्री भी हेल्प करेगा और हैश भी हेल्प करेगा लेकिन जब आप रेंज देते हैं जब आपने कहा कि लाइक लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बिटवीन लेस देन ग्रेटर देन जो चीज़ें आपके रेंज में फॉल करती हैं इन दैट सिचुएशन आपको जो ट्री बेस्ड हैं वो तो आपकी हेल्प करेंगे लेकिन जो आपके हैश बेस्ड हैं वो उसका सपोर्ट नहीं करते और आपको उसकी रीज़न पता है बिकॉज

स्पेसिफिकली क्योंकि अभी तक जो हमारी डिस्कशन थी या तो फोकस थी प्राइमरी की के ऊपर या यूनिक के ऊपर या जनरल थी जिसमें सब शामिल थी यानी यूनिक भी और नॉन यूनिक भी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन वी आर डिस्कसिंग ओनली द सेकेंड्री की डियर स्टूडेंट सो फार वी हैव डिस्कस्ड द सेकेंडरी की सो मेनी टाइम्स डेट यू डू नॉट नीड मच एक्सप्लेन वट डू विन बाय द सेकेंडरी की जाहरा कि वो एट्रीब्यूट जिसके बेसिस पे यू नीड द एक्सेस बट देट इज नॉट नेसेसरली यूनिक उस सब कहते हैं वो सेकेंडरी की है और यह मैं आपको बात बार बार बता चुका हूँ कि डेटा बेस एप्लीकेशन के अंदर डाटा बेसिस के अंदर आपको ऐसी बहुत सी वैल्यूज के ऊपर एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती रहती है कि जिसमें वैल्यू जो यूनिक नहीं होती क्योंकि देखिए इनमें फ़र्क क्या है फ़र्क सिर्फ यही है इसमें कि यूनिक की, की बेसिस पे जब आप एक वैल्यू के बेस पे सर्च करते हैं तो या तो आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा अगर नहीं है तो अगर मिलेगा तो एक मिलेगा और वही आपका रिक्वायर्ड या डिजायर्ड रिकॉर्ड है बट वेन यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी की तो सेकेंडरी की केस में ऐसा होता है कि आपके पास जो आपको यानी कि डाटा जो मिलेगा वो दैट इज नॉट नेसेसरिली यूनिक आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड जो है मिल सकते हैं इसका मतलब यह है कि उस केस में आपको अगर फर्ज के अच्छे सात रिकॉर्ड मिलते हैं देन हो सकता है कि वो छः के छः या सात के साथ सारे के सारे, सारे रिकॉर्ड आपके रिक्वायर्ड थे या ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक आपको रिक्वायर्ड था तो इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंडरी की के बेस पे जो आप एक्सेस करते हैं उसके केस में यू मे नीड टू फर्दर कलरिफाई टू फर्दर मेक इट श्योर विच वन इज योर डिजायर रिकॉर्ड इधर ऑल ऑफ देम दैट यू गॉट दैट यू गॉट एट रिजल्ट ऑफ योर क्यूरी या उनमें से कोई एक कोई दो या कोई तीन तो ऐसा हो सकता है लेकिन मैंने ऐसा कहा ना कि यह भी हो सकता है कि आपको वो सारे के सारे जरूरत हो और दूसरी बात यह भी है कि एक बात जहन रखिएगा कि आप यह सोच लीजिएगा कि सेकेंडरी की के, के केस में यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स नो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि आप जब सेकेंडरी की पे सर्च दें तो आपने हो सकता है कि आपने फर्ज किया कि सौ दफा अगर आपने सेकेंडरी रट से नेम के ऊपर सौ दफा आपने एक्सेस दी हो सकता है कि उनमें से 40 मरतबा यू गेट सिंगल रिकॉर्ड एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज के हो सकता है कि आपने 100 दफा नाम पे एक्सेस दी हो द स्टेट ऑफ योर डाटा बेस इज सच दैट ऑल द हंड्रेड टाइम्स यू गेट ए सिंगल रिकॉर्ड लेकिन क्या इस बेसिस पे क्योंकि हमने सौ दफा क्यूरी दी थी सौ दफा जो है वो उसमें हमें यूनिक एक ही रिकॉर्ड मिला था क्या इसका मतलब ये है कि नेम जो है वो यूनिक एट्रीब्यूट है या वो प्राइमरी की है नो no. अपने जो डेटाबेस के बारे में या जो आपके पास जो डाटा है उसके बारे में इस तरह के जो डिसीजंस हैं इस तरह के जो रूल्स हैं नेवर एवर ट्राई टू डिफाइन देम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ द डेटाबेस बेस ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा इन द डाटा क्योंकि वो जो डाटा आपके पास है दैट इज ए टाइम ओरिएंटेड थिंग टाइम बेस्ड थिंग इस वक्त इसकी ये कंडीशन है किसी और वक्त कुछ और हो सकती है यानी आपसे मैंने कहा ना कि सौ दफा आपने क्यूरी दी नाम के बेसिस पे इतफाक ऐसा है कि सौ दफा आपको नाम यूनिक मिल गया लेकिन यह भी हो सकता है कि अगले पचास दफा जब आपने दिया तो पचास की पचास मरतबा आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल रही हैं तो मेरे इस सारी बात कहने का मकसद ये है कि आपने जो ये डिसीशन लेना है कि वैदर समथिंग इज़ यूनिक और नॉट ये आपने बिजनेस रूल्स को उस एनवायरनमेंट को उस सिस्टम को जिसके लिए आप ड्रावस डिवेलप कर रहे हैं उनके रूल्स को देख के यू हैव टू डिफाइन दीज रूल्स कि वेदर नेम इज़ यूनिक और नॉट देखें किसी जगह पर नेम भी यूनिक हो सकता है यह ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है या ऐसा कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज़ नहीं कि यूट दैट कैन नॉट हैपन दैट यू शुड नॉट इमेजिन नो देर कैन भी समर्गेनाइजेशन जो कहते हैं ठीक है जी हमने एक नाम के दो एंप्लॉयज एक नाम की दो चीजें एक नाम के दो आइटम अलाउ नहीं करने फाइन नेम कैन स्टिल बी यूनिक लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको जब मैं ये कह रहा हूं कि सेकेंडरी की के केस में यू मे हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि अगर आपको एक एट्रीब्यूट पे यूनिक वैल्यूज मिल रही हैं तो वो uh, या इतफ़ाक़ से आपको सिंगल वैल्यूज मिल रही हैं तो वो सेकेंडरी की नहीं है या सेकेंडरी केस में सेकेंडरी की केस में यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट मल्टीपल आउटपुट्स नो द थिंग इज के वेदर सम एट्रीब्यूट इज यूनिक और नॉट वेदर समथिंग इज प्राइमरी की और नॉट वेदर समथिंग इज सेकेंडरी की और नॉट दिस इज गोइंग टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस रूल्स उस कंपनी के उस ऑर्गेनाइजेशन के उस सिस्टम के रूल्स को आप देखेंगे कि जहाँ पे आप डाटा बेस कर रहे हैं जिस चीज़ को वो कहते हैं कि ये यूनिक होगी यूनिक होनी चाहिए उसको आप डिक्लेयर करेंगे एज यूनिक और जिसको नहीं उसको नहीं चाहे इतफाक से डाटा कुछ और जो है वो आपको दिखा रहा यस लाइक स्टूडेंट नेम प्रोग्राम नेम स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन पर्टिकुलर प्रोग्राम वगैरह वगैरह इस तरह से ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स आएंगे जिनके बेसिस पे यू मे नीड टू एक्सेस द डाटा बट यू विल नॉट गेट द यूनिक आउटपुट आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें यू विल गेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स तो इसे हम सेकेंडरी की कहते हैं दैट यू नो रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ की एट्रीब्यूट मैंने आपसे अच्छा जैसे कहा था कि जर्ली हमारे पास जो रिकॉर्ड स्टोर होते हैं वो जो आपके प्राइमरी की का ऑर्डर उसकी बेसिस पे स्टोर होते हैं थ्री पॉसिबिलिटीज सिक्वेंशियल सर्च

टू एक्सेस द डाटा ऑन द बेस ऑफ ए सेकेंड्री की ठीक है अब बात यह है कि इसकी पॉसिबलिटीज़ हमारे पास या इसकी एक्सेस के हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वी परफॉर्म दीकवेंशल सर्च और आप ये बात जो सीक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पढ़ चुके हैं कि सिक्वेंशल फाइल या सीक्वेंशल एक्सेस इज इनफिशेंट क्यों उसमें यह है कि आपको तमाम रिकॉर्ड जितने भी आपके पास टेबल में रिकॉर्ड्स हैं रिलेशन रिकॉर्ड हैं वो तमाम को बारी बारी पढ़ना पड़ेगा और उसमें वो फील्ड जिसकी वैल्यू पे आपने सर्च कंडीशन दी हुई आपने कहा हुआ कि स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू जमील अहमद तो आपको वो हर रिकॉर्ड के जो नेम है उसका पढ़ के आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा और फिर ये है कि आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन तमाम रिकॉर्ड्स को बारी बारी आपको पढ़ के कंपेयर करते रहना पड़ेगा इसका मतलब है कि जो आपकी लार्ज फाइल्स हैं जिसमें लाखों की तादाद में आपके पास यानी रिकॉर्ड्स हैं उन फाइल केस में आपको तो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड सर्च करने पड़ेंगे और इसमें फिर आ, मतलब एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी हो सकती है कि यह भी हो सकता है कि आपको तमाम रिकॉर्ड्स पढ़ने के बाद ऐसे कि उसमें एक लाख रिकॉर्ड थे एक लाख रिकॉर्ड पढ़ने के बाद आपको पता चला कि उसमें तो एक भी रिकॉर्ड नहीं था आपका डिजायर्ड या अगर फर्ज क्रिया थे, थे भी सही तो आपको एक एक करके बारी बारी तमाम आपको ढूंढने पड़ेंगे तो दैट इज द दिक्वेश सर्च तो इस, लेकिन आपको यह अंदाजा हो गया कि आपके पास जो सीक्वेंशल सर्च है वो खास तौर पे बड़ी फाइल्स के केस में जिसमें ज्यादा रिकॉर्ड्स है। हैं उस केस में सीक्वेंशल एक्सेस इज इनफिशेंट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग तो पहला तो प्रॉब्लम ये हो गया दूसरी जो हमने बात की है वो ये की है कि जी आप ये कर लें कि आप आपके जो जो असल में जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो स्टोर हैं आई डी के बेसिस पे आपको अगर नेम के बेस पे ज़रूरत है आप इसी फाइल को दोबारा सॉर्ट करें तरतीब इनकी बदलें नाम के बेसिस पे और नाम की के बेसिस के ऊपर भी इनको स्टोर कर लें यानी इसका मतलब यह हो कि आप सेम डाटा के आपके पास डुप्लीकेट कॉपीज हैं एक आपके पास कॉपी है आईडी डी की बेसिस के ऊपर और दूसरी कॉपी है नेम के बेसिस के ऊपर एक लिहाज से सोल्यूशन तो ठीक है लेकिन साथ ही जो इसकी जो इसकी ड्रॉबैक्स हैं आई होप वो फोर ऑफ के जहन में क्लिक हो गए होंगे क्या सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिटेंडेंसी है क्या आपके पास अगर एक लाख रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स थे तो ना यू हैट टू हंड्रेड थाउजेंड रिकॉर्ड्स दो लाख रिकॉर्ड हो गए एक तरफ जरा कि आई डी के की बेसिस पे एक तरफ नाम के बेसिस पे और साथ एक और बात यह है कि जब भी आपको एक रिकॉर्ड एंटर करना होगा यू हैव टू प्लेस दैट रिकॉर्ड बोथ इन द ओरिजिनल टेबल ओरिजिनल सेंस में क्योंकि वो आईडी की बेसिस पे है यूनिक उसमें तमाम रिकॉर्ड्स हैं इसको इस टाइम ओरिजिनल कह देते हैं तो उस टेबल के अंदर भी उस फाइल के अंदर भी और वो फाइल दैट यू हैव सॉर्टेड द बेसिस ऑफ नेम उसमें भी आपको इसकी प्रॉपर पोजिशन फाइंड आउट करके वहां पर रिकॉर्ड प्लेस करना पड़ेगा सेम थिंग हैपन्स वेन यू डिलीट ए रिकॉर्ड आपको उधर से भी डिलीट करना पड़ेगा इधर से भी डिलीट करना पड़ेगा वेल well, इसी तरह फर्ज करें कि अगर आप कोई अपडेशन करते हैं तो अगेन वूमेंट दोनों तरफ होगी हर ये तो चलें एक लिहाज से अफोर्डेबल है अदर थिंग वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि वी कैन हैव इंडेक्स ऑन मल्टीपल फील्ड्स नेम के ऊपर ये था हमें फादर नेम के ऊपर भी जरूरत है हमें सी के ऊपर भी जरूरत है हमें एड्रेस के ऊपर भी जरूरत है बिकॉज वी नीड टू एक्सेस द डाटा ऑन द वैल्यू वैल्यूज ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स तो हमें इसका मतलब है कि इन तमाम एट्रीब्यूट्स के ऊपर या बास के कम्बिनेशन के ऊपर भी वी नीड इंडेक्सिस तो अगर हम ये करें कि सॉल्व करना शुरू कर दें तो आप सोच लें कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि वो डाटा के जो हमारे पास एक दफ़ा होना चाहिए था या जो हमने एक दफ़ा स्टोर किया है वी हैव गॉट टेन डिफरेंट कॉपीज ऑफ दैट सेम डाटा एक लाख रिकॉर्ड की जगह वी एव स्टोर्ड अ मिलियन रिकॉर्ड क्योंकि हमने उसी एक फाइल को दस मुख्तलिफर्स में शॉर्ट करके सेव किया हुआ है तो टेन कॉपीज हो गई और वह तमाम जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी है कि लाइक डिलीट करने की अपडेट करने की मूव करने की ऑल दो परफॉर्म ऑन ऑल दिज कॉपीज तो सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रीब्यूट इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक तीसरी ऑप्शन ये है कि हम ये करें कि जिस वक्त हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है वो कमांड जिसके बेसिस पे हम डॉक्टर से हमने जब एक सेलेक्ट स्टेटमेंट दी है हमने कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज़ इक्वल टू जमील अहमद अब जिनके नाम जमील अहमद है उनको आज बहुत हिचकियाँ आ रही होंगी क्योंकि हम बार बार जमील अहमद का नाम दे रहे हैं तो अब हुआ यह कि आपने कहा कि जमील अहमद की जो ना वो आप मुझे रिकॉर्ड दिखा दें तो तीसरी ऑप्शन ये कहती है कि राइट द मोमेंट When you need to execute this statement, you sort your file at that time. Again, I hope that you have as theoretically it is fine, but at the same time, you must be able to identify the problem with this because, especially in the case of huge files, sorting is going to take time. दूसरी बात वही कि अगर आप मल्टीपल्स आपको फील्ड पे चाहिए तो आपको तमाम पे सॉल्व करना पड़ेगा टाइम कंज्यूम हो रहा है और फिर एक और बात यह है कि अगर आपको रिपीटेडली जरूरत पड़ रही है आपकी दफ़ा नेम पे जरूरत पड़ी उसके बाद यूनीट डिफरेंट एक्सेशन कर रहे थे या आई के बेस पर कर रहे थे और एट्रीब्यूट के बेस पर कर रहे थे और दस एक्सेस के बाद दोबारा आपको जरूरत पड़ गई नेम के बेसिस पे देन यू हैव टू परफॉर्म द सेम एक्टिविटी अगेन टाइम कंज्यूमिंग तो आई होप जो जो तीन अल्टरनेटिव जो हमने यहाँ डिस्कस किए आपके सामने उन तीनों में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको रियलाइज़ हो चुके होंगे तो जाहिर है जो इसका सोल्यूशन जिसकी हम लेके जा रहे हैं वो यही है कि आप इंडेक्स फाइल क्रिएट करें आइए देखते हैं कैसे इंडेक्स ऑन सेकेंड्री की इज़ दल्यूशन आप बजाय इसके ये करें कि वो जो तीन हमने ऑप्शन डिस्कस किए हैं उसके बजाय आप सेकेंड्री की ऊपर इंडेक्स क्रिएट कर लें डाटा रिमेंस इन ओरिजिनल ऑर्डर हाउ एवर सेकेंडरी की इंडेक्स मेंटेन्स ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस यानी जिस एट्रीब्यूट के बेसिस पे आपने इंडेक्स क्रिएट किया है तो वो आप उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक ऑर्डर में रखेगा और वो रिकॉर्ड जिनमें ये वैल्यू मौजूद है उन तक आपको ये गाइड करेगा तो इसका मतलब कि कर फर्ज करें अगर आपको एक रिकॉर्ड आपने नेम पे इंडेक्स किया हुआ है तो आपके पास नेम पे आपके पास इंडेक्स मौजूद हैं आपके तमाम नेम्स जितने भी आपके रिकॉर्ड मौजूद हैं और फर्स्ट के आपने कहा जमील अहमद तो जमील अहमद के रिकॉर्ड आप डायरेक्टली इसमें इंडेक्स में सर्च करेंगे क्योंकि वो ऑर्डर में है आप डायरेक्टली जल्दी से वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद साथ ही उसके वो इंफॉर्मेशन होगी डिफरेंट तरह की इफार्मेशन हो सकती है कि जिसकी बेसिस पे यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द रिकॉर्ड

नाउ सेकेंडरी की इंडेक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेज हैं वो तीन हैं जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जो मेजर अप्रोचेज हैं एक है इन्वर्टेड फाइल्स और इन्वर्जनस दूसरी है लिंक लिस्ट और तीसरी है बी प्लस ट्रीज द पर पर्पज ऑफ स्टडिंग दीज इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेज इज दैट यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड कि इफ वी आर यूजिंग ए पर्टिकुलर फेसिलिटी इफ वी आर यूजिंग ए पर्टिकुलर फीचर ऑफ द डी बी एम एस ऑफ द How is it being implemented? What is the cost involved? What is the benefit of this feature? See, most of the time, implementation things they are managed by the DBMS itself. Most of the time. There are certain situations, certain states, certain points where you can guide the DBMS. But the thing is, most of the time, implementation thing is they are.

बट हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड वट इज़ द कास्ट ऑफ यूजिंग दिज फीचर्स ताकि आप अंधाधुंध डिसीशन ना करें आप जो उसके एक बैलेंस देखें एक आप एक जो ना वो एक ऑप्टिबल सिचुएशन देखें देखें ना जैसे हम एक छोटी सी बात है हम कहते हैं कि जी इंडेक्स जो है दे मेक द एक्सेस क्विकर फाइन ये एक सिंपल रूल है सिंपल स्टेटमेंट है दैट इज वैलिड ऑल्सो ये गलत नहीं है लेकिन बात यह है कि कोई कॉस्ट भी तो है तो अगर तो आप इफ यू आर सिंपली ए डीबीएमएस यूजर देन यू क्रिएट इंडेक्स ऑन ऑल द एट्रीब्यूट ऑन ऑल द कंबिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट प्लाइंडली गो फॉर इट और आप कहें क्यों मैंने जी आप एक्सेस एफिशियंट कर लिए किसी भी एट्रीब्यूट में मुझे एक्सेस चाहिए आई मेक इट एफिशियंट वाई हाउ बाई मेक्रिएटिंग द इंडेक्सेस बट एज ए कंप्यूटर प्रोफेशनल एज ए डेटाबेस एक्सपर्ट आपको यह पता होना चाहिए कि जो इंडेक्सेस हैं वो जब इंप्लीमेंट होते हैं तो उसमें क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें क्या एक्स्ट्रा स्टोरेज क्या एक्स्ट्रा एक्सीक्यूशन इन्वॉल्व है ताकि आप वो डिसीशन जो ब्लाइंडली ना करें आप उसी जगह पे वो डिसीशन लें जहां पे आपको ये नज़र आता है कि भाई ठीक है यहां पे मुझे पता है कि ये ओवर हेड इन्वॉल्व है लेकिन जो इसका बेनिफिट है वो आउटवे करता है इसके ओवर को तो वहां पर आप वो फैसला करें तो इसलिए ख़ासतौर पर यहां से अब आइंदा के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम जो चीज़ें कुछ पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको फील होगा कि हम डायरेक्टली तो उनका इस्तेमाल इतना नहीं कर रहे बट माइंड फॉर अ डाटा बेस एक्सपर्ट इट इज़ इट इज और इट्स नॉट अ मस्ट आई वुड से लेकिन इट इज़ वेरी यूजफुल इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू नो दिस थिंग्स तो जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल की चीज़ें हैं वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप डाटा बेस के फीचर्स का थाटफुली और एफिशेंटली और सही इस्तेमाल कर सकें ये जो तीन अपने अप्रोचेज यहाँ पे लिखी हुई हैं टू इम्प्लीमेंट द इंडेक्स फाइल्स और स्पेशली द सेकेंडरी सेकेंडरी की इंडेक्स बेसिकली दे इन्वॉल्व डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स और डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स डेफिनेटली आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं और इनमें से जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपने इन डिटेल वहाँ पर डिस्कस की हुई होंगी तो इस जगह पे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज डाटा स्ट्रक्चर्स इन डिटेल या हम उनकी पर्टिकुलरली उन डाटा स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करेंगे या अगर करेंगे भी तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन या रिविजन के तौर पर यहाँ पर जो हमारा एम्फिस होगा वो इस चीज़ पर होगा कि हम इनको इंडेक्सेस के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि जिस वक्त आप अपना डाटा स्ट्रक्चर से कोर्स पढ़ रहे थे उस वक्त आपने इन चीज़ों का जो इस्तेमाल था वो इंडेक्स को इम्प्लीमेंट करने के रेफरेंस से पढ़ा भी हो तो अगर ऐसा था तो उस लिहाज से भी आपकी क्लास से ये रिवीजन हो जाएगी उस सेंस में भी कि ये चीज़ें जो हैं वो कैसे आपके पास जो है वो इस्तेमाल होती हैं इंडेक्स फाइल्स को इम्प्लीमेंट करने के अंदर और जैसे कि आप जानते हैं कि जो लिंक लिस्ट है ख़ास तौर पर और जो ट्रीज़ हैं दे आर वेरी यूजफुल वेरी वेरी पॉपुलर स्ट्रक्चर्स और जो कि आप ख़ास तौर पर जब आप स्ट्रक्चर कोर्स करते हैं तो उसमें आप बार बार इसकी डिफरेंट सैनमेंट्स तो इसकी इंप्लीमेंटेशन वगैरह करते हैं तो यहाँ पर हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं करनी क्योंकि वो नॉर्मली आप उसी कोर्स में करते हैं और उसकी सी वगैरह में या सी प्लस प्लस में उसकी असाइनमेंट्स करते हैं यहाँ पे जस्ट हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे वो इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में तो आज के लेक्चर को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं और इसमें आपको जैसा कि आपने अभी देखा ही है कि हमने इसमें जो डिस्कस किया है वो इंडेक्स के टॉपिक को डिस्कस किया है और इंडेक्स के अंदर भी हमने ये देखा बेसिकली कि इंडेक्स का क्रिएट करने का पर्पस क्या है और इसको हम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके डेटा बेस के या आपकी जो टेबल है रिलेशन है उसकी जो रिकॉर्ड्स हैं जो उनकी फिज़िकल स्टोरेज है उसमें डाटा को एक्सेस करने के में एक्सेस उसके रेफरेंस से या उस ऑर्डर में डाटा बेस को एक्सेस करने में डेटा को एक्सेस करने में या किसी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करने में क्या डिफरेंस है तो अपनी इस डिस्कशन को हम इन श्ला अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफिज़